फियर के साथ डील कैसे करना है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, बिकम अवेयर ऑफ हु यू ट्रूली आर। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप एक्चुअली में कौन हो। देन बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका अभी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है, आपका फीलिंग भी नेगेटिव है। नाउ इस बात को रिकॉग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपका फोकस कहाँ पे है जो आपको अभी नहीं चाहिए। यू आर फोकसिंग मोर ऑन व्हाट यू डोंट वांट। नाउ आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट आई एक्चुअली वांट इंस्टेड। खुद को आप क्वेश्चन करो कि एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए, बिकॉज आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हेन आप ऐसा जब करते हो, खुद को जब आप क्वेश्चंस करते हो, देन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिजी हो जाता है टू फाइंड द आंसर्स। एंड ऐसे जब आपका माइंड आंसर्स ढूंढने लगता है, देन आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट टू व्हाट यू वांट। नाउ वंस यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका होगा व्हाट यू वांट। सो नाउ थिंक अबाउट दैट व्हाट यू वांट, फोकस ऑन दैट। आपका थिंकिंग पहले था व्हाट यू डोंट वांट, नाउ आपका थिंकिंग है व्हाट यू वांट। तो आपका फियरफुल थॉट्स अब जाके धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आपका फियर धीरे धीरे जा रहा है। एंड रिमेंबर दैट फियर्स ओनली कम व्हेन वी थिंक अबाउट व्हाट वी डोंट वांट। अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, देन आपको पता चल जाएगा। आपको फियर तब भी आता है जब आपको किसी भी बात का डर हो। देन स्टार्ट रिपीटिंग एफर्मेशंस लाइक आई एम फियरलेस, इट्स ओके फॉर मी टू बी फियरलेस, आई नाउ चूज फेथ ओवर फियर। सो इस तरह से आप हैबिट करो, अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो जाओ। खुद को आप क्वेश्चंस करो, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाई एम आई गेटिंग सच फियरफुल थॉट्स, मुझे किस चीज़ का डर है, मैं क्यों ऐसे, मेरा थिंकिंग क्यों ऐसे हो रहा है। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करो कि आपका माइंड बिजी होगा एंड आपका फोकस शिफ्ट होगा फ्रॉम फियरफुल थॉट्स टू एम्पावरिंग थॉट। सो दिस वे यू कैन डील विथ फियर इजीली। होप दिस हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।